दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। 9 साल 3 सवाल इसको लेकर हम आ गए हैं कचहरी में, और तमाम लोग यहां पे आते जाते रहेंगे और वो बताएंगे सरकार की जो कमियां हैं, क्या कुछ सरकार ने अच्छा की बुरा की। ये बताइए कि भाजपा सरकार के 9 साल हो गए केंद्र में बैठे जी, कितना बेहतर कितना अच्छा काम किए हैं अभी तक भाजपा सरकार और मोदी सरकार के? 9 साल हो गए। इस 9 साल में जितनी जनता की दुर्दशा होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अब इनको थोड़ा दिन भी और मिल गया तो जनता नाम की चीज़ जीवित नहीं बच पाएगी। और 9 साल के पहले और भी जितने साल रहे उसकी तुलना अगर इन 9 साल से करेंगे तो हर क्षेत्र में जनता की कमाई जितनी थी, वास्तविक कमाई, वो घट गई। जनता प्रति आय प्रति व्यक्ति जितनी कर्ज था उसका सैकड़ों गुना कर्ज आम जनता के ऊपर लद गया। बैंकों में जितनी पूंजी थी वो पूंजी भाजपा के खास लोग ले लेकर लोन लेकर विदेश पलायित कर गए। 9 साल पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकारी बैंक की लूट हो गई और भाग गए और हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया। तो बैंकों में जितने फ्रॉड हो रहे हैं, सरकारी संपत्तियां बुरी तरह बेची गई इस 9 साल में, और वो निजी घरानों को बेची गई, उन लोगों को बेची गई जिनसे कि बैकडोर से पैसा इस 9 साल की सरकार वालों के पास वापस आ गया। तो ये 9 साल की उपलब्धि ठीक है। ये बताइए इस सरकार में 9 साल पूरे हो गए, किसान खुशहाल हैं कि नहीं? अब किसानों, मैं तो किसान हूँ और मैं जानता हूँ कि किसान आज बुरी तरह से बदहाल है, बुरी तरह से बदहाल है। न तो उसको खाद की कीमत मिल, खाद मिल रही है कायदे से, मिल रही है हर साल, हर 6 महीने पर खाद की कीमत 22% बढ़ जाती है। यूरिया पोटास डाई की कीमत हर 6 महीने पर 22% बढ़ रही है, लेकिन किसान की जो का प्रोडक्ट है उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है। तो किसान तो बदहाल है, एकदम बुरी तरह से बदहाल है। और मोदी जी के 9 साल का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज पूरा देश जल रहा है, पूरा देश। कहीं ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कुछ न कुछ न हो रहा हो। मणिपुर में क्रिश्चियन से लड़ा है, क्रिश्चियन और हिंदू की लड़ाई हो रही है। ये महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है, पूरी निर्लज्जता के साथ, सारे कायदे कानून को ताक पर रख करके दिल्ली पुलिस ने एक सांसद को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया है। वो लोग जो दुनिया में गोल्ड मेडल, दुनिया से लड़ करके गोल्ड मेडल लेकर के आए, उसको विश्व वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष कह रहा है कि ये मेडल, और भी लोग ये मेडल। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये सरकार कर रही है कि 9 साल बेमिसाल, क्या लगता है कितना बेमिसाल? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मैं डॉक्टर छेदीलाल निराला, PS4 का राष्ट्रीय प्रमुख। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 9 साल का जो ये बता रहे हैं कि मैंने जो किया वो किया, मैं तो सिर्फ ये जान रहा हूँ कि 9 साल में इनके आसमान से लेकर के धरती तक ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है जिसको कि न बेचे हों। चाहे वो रेलवे की बात कर ले, चाहे वो LIC की बात कर ले, चाहे एयरपोर्ट की बात कर ले, सारी जितनी भी सरकारी संपत्ति थी इन्होंने बेमोल हिसाब से जो है कि उनको बेच दिया। अभी हम जो है किसानों की बात करें, किसानों की जो स्थिति है इस समय, मुझे लगता है कि इससे बुरा स्थिति देखने को मिला ही नहीं। और हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री जी और योगी जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश है, मैं तो देख रहा हूँ कि हर जिले में जो है कि अपराधियों की संख्या निरंतर जो है कि बढ़ा हुआ है, और कहीं बेटी के साथ कहीं बेटे के साथ इस तरीके का निरंतर हो रहा है। अभी आप दिल्ली में देख लें, दिल्ली में जो है कि जंतर मंतर पर जो है कि राष्ट्रीय पहलवान जो बैठे थे, जिस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, एक तरफ जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बेटियों पर जो है कि लाठी चार्ज हो रहा है। तो ये 9 साल का जुमलाबाजी है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ये काम किए हैं मेरे हिसाब से। ये बताइए 9 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र सरकार की, सारे भाजपा के छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग वाहवाही करा रहे हैं, ये बात कितनी सही है भाई? अपना अंगूर अपना आम कोई खट्टा थोड़ी कहेगा जो सरकार में,
पिछले 9 सालों में अगर पूरा ओवरऑल रिव्यू किया जाए, सबसे पहली बात की जो आप ये मई में तपती 15 जून 17 18 जून हो गया, इतनी तपिस हो रही है, इन्होंने वन तक को नहीं छोड़ा है। 370 के नाम से सबसे कश्मीर में घुसे, वहाँ के वनों को काट रहे हैं, पूरे देश के वनों को काट रहे हैं। और पिछले 9 सालों में इतना वन काटा इन्होंने कि उत्तर प्रदेश का जितना भूभाग है उतना उन्होंने काट डाला। तो ऑटोमेटिक है, नेचुरल है कि पर्यावरण बदलेगा और इस तरह से हमें भोगना पड़ेगा। आर्थिक अर्थ की बात कर लीजिए तो वो गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसमें आर्थिक व्यवस्था चरमराई, उद्योग चरमराए, नोटबंदी किया, कहा कि काले धन आएंगे, 99% नोट वापस आ गया, कोई काले धन तो नहीं आया, 99% 95 आया, तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई। स्कूल कॉलेज शिक्षा व्यवस्था जो आपने मेडिकल शिक्षा व्यवस्था देखिए, जो आपने क्या कहते हैं मेडिकल का पढ़ाई 5 लाख 2 लाख 3 लाख में हो जा रहा था, उसको 10-10 गुना 20-20 गुना आपने मेडिकल प्राइवेट को दे दिया, तो जब आपका स्वास्थ्य को प्राइवेट को दे दिया, शिक्षा को दे दिया, रोजगार 2014 से पहले जो केंद्रीय सरकार की नौकरियां थी उसमें 9 साल बाद 87% का डिक्रीज हुआ है, घटाव, तो नौकरी है नहीं, स्वास्थ्य आप दे दिए, यहां तक कि कोरोना में भारत सरकार का कहना था कि 5 लाख लोग मरे, लेकिन सच्चाई हकीकत क्या है वो दुनिया बता रही थी। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने आम जनगणना 2021 नहीं कराया, कि अगर 2021 का आम जनगणना करा लेंगे तो देश का पोल खोल जाएगा कि वास्तविक में देश में कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसलिए वो आम जनगणना तक नहीं कराया। तो सब मिला के ये जो सरकार है इसका पूरा 9 साल में हिंदुस्तान को बिल्कुल चौपट और बर्बाद कर दिया है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर तरीके से, शैक्षणिक स्वास्थ्य हर तरीके से ये जर्जर अवस्था में पहुँच गई है। इसलिए तत्काल इस सत्ता को बदलने की ज़रूरत है और कोई इस तरह की व्यवस्था आए जो फिर से हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार को फिर से वो खड़ा कर पाए। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 9 साल थे उस पे बेबाकी से अपनी बातें रखे हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।